और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यह खबर रायपुर से है, जहां वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और इस वक्त की यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी में से कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो देखिए, एक बड़ी हार के बाद कांग्रेस में लगातार जो नाराजगी है वो निकलकर सामने आ रही है। और एक बड़ी खबर, कांग्रेस को एक और यहां पर झटका लगा है, वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की, नंद कुमार साय ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और ये बड़ी खबर कि नंद कुमार साय ने अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। तो लगातार नाराजगी का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में अंतर्कला की जो स्थिति है अब वो खुलकर सामने आने लगी है। हार के बाद एक के बाद एक कई बयानबाजी यहां पर हुई, कई बयान सामने आए, अपनों पर ही आरोप लगाया गया और लगातार अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। वरिष्ठ आदिवासी नेता है नंद कुमार साय, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सौरभ, कांग्रेस को एक और झटका, नंद कुमार साय ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया। सौरभ, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है श्रवण। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद से कांग्रेस में लगातार ये दौर चल रहा है, इस्तीफे का दौर, निष्कासन का दौर, नोटिस का दौर। और निश्चित रूप से नंद कुमार साय को लेकर ये बहुत पहले कयास लगाए जा रहे थे, जब भाजपा की सरकार बनी तो कहीं वो अब इस्तीफा ना दे दे। कुछ माह पहले ही आपको याद होगा कि नंद कुमार साय जो है बीजेपी छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे चुनाव के ठीक दो ढाई महीने पहले, और एक बड़ा जो है झटका माना जा रहा था कि बीजेपी को, तब बीजेपी के पास जो कोई ऐसे चेहरे नहीं थे, कोई ऐसे नेता नजर नहीं आ रहे थे कि आखिर क्या होगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये जबरदस्त झटका फिर से कांग्रेस को दे दिया है नंद कुमार साय ने इस्तीफे देकर। और निश्चित रूप से भाजपा के जा सकते हैं ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बने थे उस दिन जो है मुलाकात करने के लिए भी नंद कुमार साय जो है गए थे। और एक बड़ी खबर जो है IBC 24 पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और नंद कुमार साय आपको मालूम होगा कई बार के सांसद, विधायक के, और जो है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसपे अध्यक्ष भी रह चुके थे, और भाजपा को एन वक्त पे उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं अगर बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी ऐसे चेहरे की जरूरत है। हालांकि जो उन्होंने किया था वो कहीं ना कहीं झटका था, जब तीन महीने पहले, चुनाव के ठीक तीन महीने पहले पार्टी छोड़ी थी उन्होंने। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी मान मनोबल जैसी स्थिति जो है जरूर नजर आई रही होगी। और एक बड़ी खबर जो है यही है कि नंद कुमार साय फिर से जो है कांग्रेस छोड़ दिए हैं और बीजेपी में जाने की उनकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये कहना भी मुश्किल होगा, और निश्चित रूप से नंद कुमार साय को मुख्यमंत्री के, तो जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तब लगातार अपनी कई सभाओं में ले जा रहे थे और नंद कुमार को प्रेजेंट भी किया जाता था कि देखिए कि किस तरीके से भाजपा में आदिवासी नेताओं का अपमान होता था। लेकिन जो अभी मुझे जानकारी मिली है कि जो उन्होंने अपना पत्र लिखा है, इस्तीफा भेजा है कांग्रेस के जो PCC है उसको, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मैं अपने कुछ कारणों से जो है पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि संभावना है कि आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहां पर जो है उनका कुछ उपयोग जो है अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो किया जा सकता है। लेकिन ये अभी अपुष्ट खबर है, लेकिन पुष्ट खबर यही है कि कांग्रेस छोड़ दिए हैं, और कांग्रेस छोड़ने के उनके पास रीजन जैसे बता रहे हैं कि वो लगातार शोकिंग के जैसी स्थिति में नजर आ रहे थे। और हमने ये भी देखा कि जब विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री जो है शपथ लिए थे, तब जो है वहां पर भी गए थे,
से, तो ये बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये अटकलें जरूर लग रहा था कि सरगुजा को लेकर कि वहां से ये इनको बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में दी जा सकती है और ये पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। अब नंद कुमार साय जी जो है भूपेश बघेल वो लगातार उनको अपने साथ घुमाते रहे और इसी के बहाने जो है बीजेपी को घेरते रहे कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लाठियां खाई, जिन्होंने। सौरभ, फिलहाल तो कांग्रेस के एक और बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, देखना होगा कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है इन दिनों वो कहाँ जाकर खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।